नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सत्यम का खेल खत्म होने के बाद एक बार फिर से बेहद परेशान दिखी पूर्वी। वेल, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूर्वी और वीरेंद्र की लाइफ में सब कुछ सेटल होने वाला है, क्योंकि जो सत्यम है उसका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। आप सबने देखा कि किस तरीके से पूर्वी और वीरेंद्र ने मिलकर सत्यम का काला चिट्ठा खोल दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि जो सत्यम होता है उसको सारी बातें जो हैं वो पूर्वी और वीरेंद्र की पता चल जाती हैं, जिसके बाद जो सत्यम होता है वो पूर्वी को मारने की भी कोशिश करता है। और वो SD कार्ड जिसमें सत्यम के सारे गुनाह होते हैं, वो SD कार्ड भी सत्यम के पास ही होता है, क्योंकि सत्यम को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है ये सब कुछ जो है वो पूर्वी ने किया है। पूर्वी जब सत्यम के पास जाती है SD कार्ड लेने के लिए, तो उस दौरान सत्यम बहुत ही अकड़ में रहता है। वो एक धारदार हथियार से उस पर अटैक करता है, और इसके बाद पूर्वी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, जिसके बाद यहाँ पर सत्यम का जो खेल है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। आपको बता दें, इसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पूर्वी और वीरेंद्र की लाइफ में सब कुछ सेटल होने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि हाँ, बहुत सारे आपको मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं पूर्वी और वीरेंद्र के बीच। लेकिन आपको बता दें कि जो ये एंडिंग है, ऐसा लग रहा है कि हैप्पी नहीं होने वाली है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूर्वी बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही है। कुछ BTS फ़ोटोज़ सामने आई हैं, आप देख सकते हैं इन फ़ोटोज़ में पूर्वी बहुत अपसेट नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं उसकी आँख में आंसू भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी के साथ मानस और जूही दोनों हैं, लेकिन कहीं भी मुखी जी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ है मुखी जी को? क्या कुछ हो गया है उन्हें, या फिर ये कोई डॉक्टर के यहाँ का सीन है, ये कुछ हॉस्पिटल का सीन दिख रहा है? अभी कुछ भी क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। ज़ाहिर तौर पर बहुत ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है, तो इसीलिए कुछ भी अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, बस इसमें एक चीज़ क्लियर ज़रूर हो रही है कि पूर्वी बहुत दुखी नज़र आ रही है, और इसमें वीरेंद्र नज़र नहीं आ रहा है। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि आने वाला जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होने वाला है, कुछ ऐसा लग रहा है फिलहाल। तो वैसे आपको बता दें कि ये सीरियल जो है वो बंद होने वाला है। 11 फरवरी को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट किया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में पूर्वी और वीरेंद्र के बहुत सारे सीन्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो BTS पिक्चर्स सामने आई है, इसे देखकर यकीनन पूर्वी और वीरेंद्र के फैंस को झटका लगेगा, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि ये चीज़ें जो है वो हैप्पली ख़त्म हो। तो अब ये नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि मोल्की का जो है ये हैप्पी एंड ना हो। फिलहाल देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाला ट्रैक क्या होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही।